गोगू के पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं और उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोगू की सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है और उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक, और ये एंजल्स की टेक्निक है जो कि पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, और गोगू इन्हीं की टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बॉडी का हर एक पार्ट खुद ही मूव करता है, और गोगू को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, और गोगू को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी खुद ही रिएक्ट करेगी सारे अटैक्स को, और वो बिल्कुल आसानी से सब कुछ डॉच कर लेगी। ये टेक्निक पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, और इसलिए गोकू इसको मास्टर करना चाहता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि लॉर्ड बीरस भी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए हैं, जबकि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इनकम्प्लीट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोकू के पास एक तरीके का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि उसके पास अलग अलग वेरिएशंस हैं जो कि वो अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल करता है। और आज मैं तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सारी वेरिएशंस दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना। सो लेट्स गो। नंबर वन, साइंस ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ऐसा नहीं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हमें सबसे पहले टोर्नामेंट ऑफ पावर में देखने को मिली थी, बल्कि हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में ही दिख चुकी थी, और ये एक बहुत बड़ी फोरशेडिंग थी। तुम्हें याद है गोकू और बीरस की फाइट, जिसमें गोकू सुपर सैयन 3 में बीरस से लड़ता है। इस फाइट के अंदर जब गोकू बीरस को अटैक करने वाला होता है तो उसकी बॉडी खुद ही रिएक्ट करती है और खुद ही पीछे हो जाती है। और बीरस बताता भी है कि वो गो को अटैक करने ही वाला था, और गो की बॉडी खुद ही मूव हो गई पीछे, और अगर बीरस उसको मारता तो गोकू वहीं पे मार जाता। और ये पहली बार था जब हमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का साइन देखा था, इससे पहले हमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। और इस मोमेंट पर गोकू की बॉडी भी खुद ही मूव हुई, और उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। बाद में आगे जाकर हमें ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर दिखता है कि गोकू बुलमा के पंच को डॉच कर लेता है, वो भी अपने इंस्टिंक्ट पर, जबकि वो बुलमा के पंचेस को कभी भी डॉज नहीं करता। और इस पूरे एपिसोड के अंदर वो बिल्कुल शांत था और अपने इंस्टिंक्ट पर फोकस कर रहा था। और ये थे छोटे छोटे साइंस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के, और ये टोर्नामेंट ऑफ पावर के शुरू होने से पहले के हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है गोकू के लिए, बल्कि उसके हर एक मास्टर ने उसको बताया है कि उसको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए फालतू मूवमेंट करके। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है बल्कि जापानीज में इसका मतलब है द आर्ट ऑफ सेल्फ मूवमेंट, जिसका मतलब अपनी एनर्जी को बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करना और उसको 100% एक्यूरेट इस्तेमाल करना। और इसलिए हमें दिखते हैं साइंस ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। नंबर टू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन। ये हमें पहली बार टोर्नामेंट ऑफ पावर में देखने को मिला था, जब गोकू जीरन से फाइट करता है और एक स्पिरिट बॉम्ब बनाकर वो जीरन में फेंक देता है, लेकिन वो जीरन पे काम नहीं करता और गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब में गिर जाता है। और तभी गोकू वापस आता है और एक नया ऑरा के साथ उसके पास अब आ चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन। इस फॉर्म के अंदर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उससे पूरा नल रियम हिल जाता है, जो कि बिल्कुल इन्फिनिट है। तो गोकू ने पूरी इन्फिनिटी को हिलाकर रख दिया, और गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि गोकू हर एक अटैक को बिल्कुल परफेक्टली डॉच कर रहा होता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू ये कैसे कर रहा है, और जब उन्हें समझ आता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, तो वो भी डर में आ जाते हैं, और वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि एक मॉडल एक ऐसी टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जब पहली बार गोकू ने इसको अचीव किया था तो ये बहुत ही वीक थी, इसका सिर्फ डिफेंस अच्छा था और ऑफेंस के मामले में ये बिल्कुल बेकार थी। बाद में गोकू कैफला से लड़ते हुए भी इस्तेमाल करता है, और उसमें भी उसका ऑफेंस कुछ भी खास नहीं होता, लेकिन एक कामयाबी की मदद से वो कैफला को हरा देता है। और जीरन से दूसरी बार फाइट करने के बाद उसका ऑफेंस कुछ खास नहीं होता, लेकिन वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस फॉर्म की बस एक वीकनेस है, और वो है इसका ऑफेंस। गोकू हर एक अटैक को डॉच कर सकता है बिल्कुल परफेक्टली, उसको कुछ भी नहीं छू सकता, और वो जितनी भी स्पीड से उसके पास आए वो उसको डॉच कर लेगा। लेकिन अगर गोकू के अटैक्स कुछ काम नहीं कर रहे तो वो किसी भी कमजोर एनिमी को भी नहीं हरा पाएगा, जैसे कैफला। बाकी इसमें गोकू के रिफ्लेक्सेस बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं और उसको कोई भी नहीं छू पाता। नंबर थ्री, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन मांगा वर्जन। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन एक ही चीज है, लेकिन मांगा में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। मांगा में जब गोकू जीजन से लड़ रहा होता है तो मास्टर रोशी उनकी फाइट के बीच में आ जाता है, और मास्टर रोशी गोकू से पूछता है कि वो जीरन को क्यों नहीं हरा पा रहा। तो गोकू बोलता है कि उसके पास पावर नहीं है, लेकिन मास्टर रोशी बताता है कि पावर जैसा कुछ भी नहीं है, और वो गोकू उसका आखिरी लेसन बताता है, और वो आखिरी लेसन होता है
हाउ टू मूव वेल, और तभी मास्टर रोशी जीना पर चार्ज कर देता है और उसके अटैक को डॉच कर लेता है, बिल्कुल अल्ट्रा इंसिंग जैसे। वो जीरन के हर एक अटैक को डॉच कर रहा होता है और बीरस भी ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन ये अल्ट्रा इंसिंग जैसा कुछ भी नहीं है बल्कि उसके जैसा ही कुछ था। और तभी जीरन मास्टर रोशी को एलिमिनेट कर देता है और इसको देखकर गोकू समझ जाता है कि उसको क्या करना है। उसको अपने हर एक मास्टर की याद आती है कि वो क्या कहना चाहते थे गोकू से, और उसको बीस की बातें याद आती हैं जो कि उसने बताई थी उसको। और गोकू समझ जाता है जीरन को हराने के लिए उसको पावर नहीं चाहिए बल्कि कुछ और चाहिए। और तभी गोकू अल्ट्रा इंसिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको पता भी नहीं होता कि उसके पास अब अल्ट्रा इंसिंग आ चुकी है। लेकिन जब वो जीरन से लड़ने की कोशिश करता है और उसकी तरफ चार्ज करता है, तभी उसका ओमेन डीएक्टिवेट हो जाता है और ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए होता है। और इसी तरह गोकू ने मांगा के अंदर अल्ट्रा इंसिंग साइन को अचीव किया था। ये एनिमे से बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें मास्टर रोशी भी जीरन से लड़ता है जबकि एनिमे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 4, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जब गोकू जीरन से लड़ रहा होता है तो वो अपने आप को और शांत करता है और सब कुछ सोचना बंद कर देता है, और यही करने के बाद वो फाइनली अल्ट्रा इंसिंग को मास्टर कर लेता है। इस फॉर्म के अंदर उसके पास कोई भी वीकनेस नहीं होती है और उसका डिफेंस भी बढ़िया होता है और ऑफेंस भी खतरनाक होता है। इस फॉर्म को अचीव करने के बाद वो जीरन को पूरी तरह ओवर पावर कर देता है और जीरन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। जब गोकू ने अल्ट्रा इंसिंग को मास्टर किया तो सारे गॉड्स उसकी इज्जत में खड़े हो गए थे, क्योंकि एक मॉर्टल ने एक ऐसी टेक्निक को मास्टर कर लिया था जो कि गॉड्स भी नहीं कर पाए कभी भी। गोकू इस फॉर्म से गॉड्स के लेवल पर पहुंच चुका है और अब वो पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक बन जाता है, क्योंकि एंजल्स की टेक्निक को मास्टर करना इतना आसान काम नहीं है, जबकि बीरस भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये फॉर्म गोकू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है और इस फॉर्म के अंदर वो जीरन को आसानी से हरा देता है। जब जीरन अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर रहा होता है तब भी गोकू उससे अच्छे से लड़ पा रहा होता है, और जब गोकू रेज में चला जाता है तो फाइनली गोकू जीरन को पूरी तरह डिफीट कर लेता है। लेकिन जब वो जीरन को एलिमिनेट करने वाला था तभी उसकी बॉडी ने हार मान ली, और क्योंकि ये पावर उसके लिए कुछ ज्यादा थी उसकी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर सकती थी और इसलिए वो ये पावर और इस्तेमाल नहीं कर सकता था। नंबर 5, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मांगा वर्जन। मैंने तुम्हें बताया कि एनिमे के अंदर गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे मास्टर किया, लेकिन मांगा में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब गोकू दूसरी बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन को यूज कर पा रहा होता है तो फाइनली उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा होता है और वो जीरन के सारे अटैक्स को डॉच कर पा रहा होता है, लेकिन उसके अटैक्स कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं। और तभी गोकू अपने आप को और भी ज्यादा रिलैक्स कर लेता है और वो बोलता भी है कि उसका दिल अब बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल माउंट पाउसो की तरह। और इसी मोड पर गोकू अपनी आंखें बंद करता है और वो जैसे उनको खोलता है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लेता है और वो सीधा चलकर जीरन को एक खतरनाक सा पंच मार देता है, जिससे जीरन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। और तभी भी इस बताता है कि गोकू ने फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रू स्टेट पा ली है और अब वो बन चुका है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और जब गोकू इस फॉर्म में जीरन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो जीरन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, बल्कि जीरन गोकू से मार खा रहा होता है। तभी गोकू एक कामयाबी चार्ज कर देता है जो कि पूरे टोर्नेडो ऑफ पावर की रिंग के आर पार चला जाता है, और वो जीरन को एलिमिनेट करने ही वाला था, लेकिन तभी जीरन अपनी फुल पावर इस्तेमाल करने लग जाता है और तभी गोकू को भी मुश्किल हो रही होती है। लेकिन गोकू का स्टेमिना कुछ जल्दी खत्म हो जाता है और गोकू इस फॉर्म को खो देता है, और इस तरह मांगा के अंदर गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करता है। नंबर 6, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। ड्रैगन बॉल सुपर के बाद शुरू होती है मोरो आर्क, जिसमें गोकू मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है जो कि उसको ट्रेन करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करने के लिए। गोकू और मीरस हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और मीरस एक एंजल है जो कि गोकू को सिखा रहा होता है, और गोकू फाइनली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और अब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी विल पर एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन वो बस अपनी साइन फॉर्म को एक्टिवेट कर सकता है। ये फॉर्म वो पहली बार मोरो से लड़ते हुए इस्तेमाल करता है और ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक होती है। वो मोरो को बहुत ही चिटक कर दे रही होती है, और अब जबकि गोकू को ये फॉर्म एक्टिवेट करना आ गई है तो गोकू इस फॉर्म में बहुत ही अच्छी फाइट दे रहा होता है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि साइन फॉर्म का एक डिसएडवांटेज है कि उसका ऑफेंस बिल्कुल बेकार है, और इसलिए मोरो गोकू फाइनली ओवर पावर कर रहा होता है। बाद में अगर मोरो जब 7-3 के साथ फ्यूज हो जाता है तो गोकू अपनी साइन फॉर्म के अंदर मोरो के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, वो बिल्कुल यूजलेस होता है। और अब जबकि उसको एक्टिवेट करना आ चुकी है साइन फॉर्म, ये उसके बिल्कुल काम नहीं आती, लेकिन उसकी ट्रेनिंग की मदद से उसको ये एक्टिवेट करना आ चुकी है। नंबर 7, कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जब गोकू फाइनली मीरस को मरते हुए देखता है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने दिल को शांत करता है, और उसी के बाद उसके पास एक बहुत बड़ा ऑरा आ जाता है और तभी वो अपनी कंप्लीट
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब गोकू को फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कंप्लीट फॉर्म एक्टिवेट करना आ चुकी है और अब उसकी ट्रेनिंग फाइनली कंप्लीट हो जाती है। ये फॉर्म इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि मोरो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, बल्कि गोकू मोरो की बहुत ही बुरी हालत कर देता है और मोरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। बाद में जगह मोरो जब मीरस की एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है तब भी गोकू के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और गोकू उसको ओवर पावर कर रहा होता है। ये वही फॉर्म है जो गोकू ने टूर्नामेंट के अंदर इस्तेमाल करी थी, लेकिन ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब गोकू ये एक्टिवेट करना आ चुकी है। और मोरो की फाइट के बाद गोकू इसको वीस के साथ ट्रेन भी करता है। बाद में जाकर ग्रैनोला आग के अंदर वो ग्रैनोला को भी इस फॉर्म के अंदर ओवर पावर कर देता है और ग्रैनोला भी बोलता है कि इस फॉर्म के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है और वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि वो यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल था। ये फॉर्म गोकू की सबसे बेस्ट फॉर्म्स में से एक है और मेरी बिल्कुल फेवरेट। नंबर 8, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जायंट फॉर्म। ये फॉर्म गोकू मोरो आकर में इस्तेमाल करता है जब गोकू के पास एनर्जी नहीं थी तो उसको एनर्जी की जरूरत थी और तभी उसको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है और वो होती है ओप की। और जब उसे ओप की एनर्जी मिलती है तभी उसका एक जायंट अवतार आ जाता है और वो एक जायंट सुसानो जैसा होता है। उसका ब्लू ब्लू ऑरा होता है और वो एक बहुत ही खतरनाक जायंट में बदल जाता है। इस फॉर्म को गोकू को खुद भी नहीं पता कि उसने ये कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन इस फॉर्म के अंदर गोकू बिल्कुल मोरो को ओवर पावर कर लेता है और मोरो भी उससे डर जाता है और गोकू को भी ये नहीं पता ये क्या है। बाद में जाकर ग्रैनोला आग के अंदर वो इस्तेमाल करता है जब वो गैस को खत्म करने वाले थे और वो ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन गोकू अगर इस फॉर्म को कंट्रोल करना सीख गया तो वो इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और ये इसके बहुत काम आ सकती है। हमें अभी तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन बाद में जाकर हमें ये पता चल सकता है और शायद गोकू इसको मास्टर भी कर ले। नंबर 9, बेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू ने जब फाइनली परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होना सीख लिया तो उसको एक प्रॉब्लम समझ आई। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके लिए एक फॉर्म है और अगर वो उस पर ट्रांसफॉर्म होगा तो उसकी एनर्जी चली जाएगी और वो स्टेमिना खोता जाएगा, बल्कि एंजल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो 24 घंटे ही इसके अंदर रहते हैं और वो हमेशा इस स्टेट में रहते हैं और इसलिए भी इस गो को बेस फॉर्म के अंदर ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करना सिखा रहा होता है। और ग्रैनोला के अंदर हम देखते भी है कि गोकू इसलिए ट्रेनिंग करता है और वो इसको अच्छे से इस्तेमाल भी कर पा रहा होता है। अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इस्तेमाल करेगा तो ये उसके लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना लेती है और गोकू के पास इतना स्टेमिना नहीं होता है और इसलिए गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करता है और ये हम ग्रैनोला के अंदर देखते भी हैं, लेकिन ये गोकू ने अभी मास्टर नहीं किया। नंबर 10, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड फॉर्म। जिस तरह गोकू ने बेस फॉर्म के अंदर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ किया उसी तरह वो गॉड फॉर्म के अंदर भी इसको इस्तेमाल करता है। जब गोकू ग्रैनोला से लड़ रहा होता है तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गॉड फॉर्म के साथ फ्यूज कर लेता है और वेजिटा भी ये नोटिस कर लेता है और वो बोलता भी है कि गोकू अपनी यूआई फॉर्म दूसरी फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और जब गोकू ये इस्तेमाल करता है तो वो ग्रैनोला के सारे अटैक्स को आसानी से डॉच कर रहा होता है और उसका स्टेमिना भी नीचे जा रहा होता है, लेकिन वो ये बिल्कुल परफेक्टली इस्तेमाल नहीं करता है और ग्रैनोला उसको अटैक कर पाता है। नंबर 11, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्लू फॉर्म। ग्रैनोला से लड़ते वक्त गोकू सुपर सैन ब्लू के साथ भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करता है और जब वो इस फॉर्म के अंदर यूआई को इस्तेमाल करता है तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती है, लेकिन ग्रैनोला के सामने ये भी काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि ग्रैनोला पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल था और इसलिए गोकू इस फॉर्म के अंदर भी ग्रैनोला के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और इस बात से हमें समझ जाना चाहिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट किसी फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, चाहे वो गॉड हो, बेस हो या फिर ब्लू, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 12, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जब गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो एंजल्स को कॉपी कर रहा होता है, लेकिन एंजल्स के अंदर इमोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और हमें पता है सैयन की पावर का सोर्स है इमोशंस, तो अगर गोकू अपने इमोशंस को बंद कर देगा तो वो अपने फुल पोटेंशियल को कभी अनलॉक नहीं कर पाएगा। और तभी बारडॉग की मदद से गोकू इसको समझ जाता है और गोकू एक सेकंड के लिए पीछे हो जाता है। वो एक नया तरीका ढूंढता है ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सके और तभी गोकू अपनी साइन फॉर्म के साथ अपने इमोशंस को फ्यूज करके बनाता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और इस फॉर्म के अंदर वो अपने इमोशंस के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल कर पा रहा होता है और ये उसकी साइन फॉर्म होती है, लेकिन वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल गैस से भी लड़ पा रहा होता है, जबकि वो पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस फॉर्म के अंदर गोकू का फाइटिंग स्टाइल ये बदल जाता है और गोकू बिल्कुल एक एप की तरह लड़ रहा होता है, जैसे उसका सैयन खून वापस आ चुका है और अब वो बिल्कुल एक सैयन बन चुका है। और ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिर्फ गोकू के पास है और ऐसा वर्जन किसी और के पास नहीं है, ना ही एंजल्स के पास है, ना ही बीरस के पास, और किसी और के पास नहीं है ऐसा कुछ भी। सिर्फ गोकू ही है जो इसको इस्तेमाल कर सकता है और ये गोकू का अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है
और जब गोकू इसको मास्टर कर लेगा तो वो पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। और अभी के लिए गोकू के पास बस इतनी ही फॉर्म्स हैं। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारी फेवरेट कौन सी है। अगर मैं बताऊँ तो मेरी फेवरेट है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताना तुम्हारी फेवरेट कौन सी है। और मैं तो नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।